आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुमाऊँ यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि जो आपका कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस का जो रिजल्ट है यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दिया है। तो जिनमें कैंडिडेट ने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो वो हमारे प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है, तो आप उस वीडियो के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से स्टेप में आपके एडमिशन होगा, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इससे पहले साल जो प्रीवियस ईयर में आपका एडमिशन प्रोसेस रहा था तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर में आपका रिजल्ट आने के बाद यूनिवर्सिटी ने एक काउंसलिंग की डेट सभी को दी थी, तो उस बीच में आपको काउंसलिंग करानी थी। वो थी लगभग 14 जनवरी से 25 जनवरी तक आपको काउंसलिंग की फीस और काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना था। और इस बार भी शायद आपकी काउंसलिंग जो होगी वो 14 या 15 जनवरी से ही स्टार्ट होंगी। उसके बाद आपका जो एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है वो नेक्स्ट जो मंथ होगा फरवरी में आपका एडमिशन हो जाएगा और फिर आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो बात करते हैं कि अब आगे की प्रोसेस क्या रहेगी इस साल वाले बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, आपका एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो आपका रिजल्ट आ गया होगा, तो रिजल्ट हमने चेक कर लिया होगा, तो इसके बाद आपका जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यूनिवर्सिटी एक नोटिस जारी करेगी, उस डेट में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करने वक्त जमा किए थे, उसमें आपके वेटेज सर्टिफिकेट भी चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपको ऑनलाइन 500 रुपये फीस जमा करनी होगी जो कि काउंसलिंग की रहेगी, और आपको अपने कॉलेज भी चूज करने होंगे। प्रेफरेंस वाइज कौन से कॉलेज आप चूज करना चाहते हो वो भी आप चूज कर सकते हो, लगभग आप सारे कॉलेज चूज कर सकते हो। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी जारी करेगी, तो उसके बाद आपका एडमिशन होगा। जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा तो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, तो आप उस कॉलेज में एडमिशन करा सकते हो। जब कॉलेज में आपका एडमिशन होगा तो एडमिशन के समय भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो जब उसका नोटिफिकेशन आएगा तो तभी हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, तो आप बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और यदि कहीं चेंज आता है आपके जो एडमिशन प्रोसेस में तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। फिलहाल जो यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से इस साल ऑनलाइन फॉर्म और आपका एग्ज़ाम करवाया है तो इसके चांस ही ऐसे ही है जैसे कि आपका SSG यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस था, तो कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में भी यही प्रोसेस रहेगा। तो और कुछ चेंज रहता है तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। ये जो एडमिशन प्रोसेस है इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है इस बार भी, शायद क्या पता आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो वो ऑनलाइन कराते, तो जो भी रहेगा तो आगे के नोटिफिकेशन पर ही निर्भर है कि यूनिवर्सिटी क्या चाहती है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो अभी हम क्लियर करेंगे। फिलहाल जो अदर यूनिवर्सिटी का था वो मैंने आपको बता दिया। तो और बहुत सारे लोग ये पूछे थे कि हमारे इतने मार्क्स आए हैं और तो हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो जो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी थी कट ऑफ से रिलेटेड, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने वो वीडियो देख भी ली होगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि आपको कितने नंबर में कौन सा कॉलेज मिलेगा और आपके पासिंग मार्क्स कितने रहते हैं, तो डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो देख लेना। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।